तो भाई सोलो सिकोवा का कहना है कि उनकी बात रोमन रेंस से रोज होती है। जब पोलेमन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बात हुई, तो यहाँ सोलो सिकोवा बड़े मुस्कुराकर बोलते हैं कि हर वक्त। तो भाई सोलो सिकोवा का मतलब है कि उनकी बात रोमन रेंस से हर टाइम होती है, पर सोलो सिकोवा की शक्ल देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि उनकी बात जरा सी भी रोमन रेंस से हुई है। वो बस झूठ बोल रहा है ताकि पोलेमन को अपने पास रख सके। और भाई पोलेमन चाहता है कि रोमन रेंस का जल्दी से रिटर्न हो और वो सोलो सिकोवा से छुटकारा पा सके, क्योंकि पोलेमन को देखकर कहीं से नहीं लग रहा कि वो बिल्कुल भी सोलो सिकोवा की ब्लडलाइन को पसंद करते हैं। और भाई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रोमन रेंस का रिटर्न समरस्लैम के वीक में WWE कराने वाली है। मतलब भाई रोमन रेंस हमें समरस्लैम से पहले वाली स्मैकडाउन के अंदर भी दिख सकते हैं, या फिर वो समरस्लैम के अंदर अपना शॉकिंग रिटर्न भी कर सकते हैं। पर ये कंफर्म है कि उनका रिटर्न समरस्लैम के आसपास ही होने वाला है। और जब तक रोमन रेंस आएंगे वापस, तब तक सोलो सिकोवा पूरी काई पलट देंगे ब्लड लाइन की, और बिल्कुल पुरानी वाली ब्लड लाइन की तरह अपनी ब्लड लाइन भी बना सकते हैं सोलो सिकोवा, जहां उनकी ब्लड लाइन के पास टैग टीम टाइटल्स और WWE चैंपियनशिप भी हो सकती है आने वाले टाइम में। और अभी की बात करें तो ब्लड लाइन के अंदर क्या नेक्स्ट देखने को मिलने वाले हम सबको, तो भाई WWE किंग ऑफ द रिंग के अंदर जे उसो टामा टुंगा को भिड़ा सकती है, ताकि जे उसो घूम फिर कर वापस ब्लड लाइन के अंदर आ जाए और फाइनली हम सबको ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन राइवल स्टार्ट होता दिखे।